कोरोना काल में पूरी दुनिया बेहाल नजर आ रही है। भारत में लॉकडाउन के दो चरणों के बाद भी कोरोना रौद्र रूप दिखा रहा है, क्योंकि भारत ने लॉकडाउन तो बढ़ा दिया लेकिन टेस्टिंग नहीं बढ़ाई। टेस्टिंग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो और भी परेशान करने वाले हैं। क्या कहते हैं भारत में टेस्टिंग के आंकड़े, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग कर रहा था, सरकार को सुझाव पर सुझाव दे रहा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लॉकडाउन को पॉज बटन तक बता रहे थे, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया और सरकार की इसी नासमझी का कारण है कि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कोरोना की असल कहानी बयां कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि अगर इस जंग को जीतना है तो टेस्टिंग बढ़ानी होगी, लेकिन सरकार को ये बात समझने में बहुत देर लग रही है। तभी तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कोविड 19 टेस्ट के राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ये राज्य तो राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहे हैं। देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसके साथ प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट बढ़कर 818 हो गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पेश की है उसके मुताबिक 10 लाख आबादी पर कोरोना के टेस्ट की बात करें तो सबसे अधिक कोरोना केस वाले 15 राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल में 230, बिहार में 267, उत्तर प्रदेश में 429 और मध्य प्रदेश में 642 टेस्ट हो रहे हैं। ये आंकड़े सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ये सफाई दे रहा है कि कई राज्यों में टेस्ट किट सही न मिलने के कारण जांच में समय लगा है। वहीं इन राज्यों को दिल्ली से सबक लेने की जरूरत है, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 3,486 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत का करीब 4 गुना है। साफ है कि जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी कोरोना से जुड़े सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे और स्थिति की गंभीरता का असल पता नहीं चल सकेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।